हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए प्लॉट लेके आया हूं, उसका साइज़ है 14 फीट बाई 26 फीट और ये ईस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेआउट प्लान। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये बाकी जो हमारे 3 साइड्स हैं, हमारे साउथ और हमारी वेस्ट और हमारी नॉर्थ साइड, ये बाकी तीनों तरफ हमारी ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि दूसरों की हैं। उन सब प्लॉट्स की तरफ हम कुछ भी कोई डोर ओपन नहीं कर सकते या कोई विंडो भी नहीं दिखा सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये प्लान डिज़ाइन किया है। तो इस प्लान की खास बात यह है कि मैंने इसमें 1 गेस्ट रूम, 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 डाइनिंग, 2 कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम विथ 1 स्टेयरकेस डिज़ाइन किया है। और इसका टोटल 364 स्क्वायर फीट का ये बिल्डअप एरिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना मेन प्लान। आ जाते हैं हम अपने मेन प्लान पे। ये है हमारा मेन प्लान। तो फ्रेंड्स, मेन प्लान पे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू है या कुछ भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी क्वेरी है आपका, तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रंट रोड है जिसके जो हमारा ईस्ट फेस की तरफ है, इधर से हमारे घर में एंट्री होगी। और यहाँ पे एंट्री के लिए मैंने 2 स्टेप्स दिखा रखे हैं। इन दो स्टेप्स के थ्रू हम अपने घर के अंदर जाएंगे। घर में अंदर जाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन कर रखा है। इसके थ्रू हम अपने घर के अंदर जाएंगे। जैसे हम जाते हैं तो मैंने यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे 4 फीट का एक विंडो डिज़ाइन कर रखा है, 4 फीट बाई 4 फीट का। और यहाँ पे इस विंडो के थ्रू हमारे घर में लाइट आएगी, हमारे बाहर से जो भी रोशनी होगी, जो सनलाइट होगा, डे लाइट होगा, वो इस विंडो के थ्रू इस रूम के अंदर जाएगा। अब यहाँ से हम आते हैं तो मैंने यहाँ पे जस्ट जैसे हम घर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्टेयर केस डिज़ाइन कर रखा है। इस स्टेयर केस का विड्थ जो है वो 2 फीट 6 इंच है। और यहाँ से हम अप होते हुए यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम पहुँचेंगे तो इसके नीचे स्टेयर केस के ठीक नीचे ही मैंने एक और कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है। इसी के ऊपर से हमारी जो स्टेप्स होंगी, इसी के ऊपर होते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पे बाहर की तरफ। और यहाँ से हम बालकनी से होते हुए, हमारा जो बालकनी एरिया है उस उधर से होते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पर। ये जो कि मैंने यहाँ पे बालकनी दिखा रखा है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो लैंडिंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे जब हम रीच करेंगे तो हमारे ये फर्स्ट फ्लोर का ये लेवल होगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ आते हैं तो जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो इस स्टेयर के इसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारा जो ये है वो गेस्ट रूम है और इस गेस्ट रूम का साइज़ है वो 13 फीट 2 इंच बाई 6 फीट 6 इंच है। 6 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टीवी यूनिट भी लगा रखा है ताकि एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे मैंने 2 सीटर का एक सोफ़ा और 3 सीटर का भी एक सोफ़ा यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे हमारा गेस्ट के लिए हमारी जो सीटिंग होगी वो हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ से इस गेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है। तो इस गेस्ट के लिए जैसे हम यहाँ से हमने 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर भी दिखा रखा है जिसके थ्रू हम अंदर आएंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे एक मैंने टॉयलेट का सीट भी सेटअप कर रखा है और यहाँ पे हम टैप लगाएंगे और एक हैंड वॉश के लिए एक सिंक भी डाल रखा है इसमें। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों, ये टॉयलेट एंड बाथरूम का जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का है। यहाँ पे एक मैंने वेंटिलेशन के लिए 2 फीट बाई 2 फीट का एक वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग दे रखा है जिसके थ्रू हमारी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू हमारी बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अपने गेस्ट रूम से होते हुए तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक डोर दे रखा है जिसका साइज़ है 3 फीट का D1। एक डोर है यहाँ पे, हम इस डोर के थ्रू हम इस बेडरूम में जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक 4 फीट का एक विंडो दे रखा है, 4 फीट बाई 4 फीट का एक यहाँ पे विंडो हम प्लेस करेंगे।
अब यहाँ से आते हैं तो इस बेडरूम का साइज 13 फीट 2 इंच बाई 9 फीट का है। ये बेडरूम 13 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये पूरा लंबा बाथरूम बेडरूम है सॉरी, और 9 फीट ये लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब यहाँ पे हम जैसे आते हैं तो मैंने यहाँ पे डाइनिंग के लिए यहाँ पे चार जो है चार चेयर लगा रखी हैं, 4 चेयर्स और 1 टेबल लगा रखा है ताकि हम यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टीवी यूनिट भी लगा रखा है ताकि यहाँ पे बेडरूम के लिए यहाँ पे सिटिंग के टाइम पे हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आते हैं दोस्तों, इस बेडरूम के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है और इसके थ्रू हम यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर दे रखा है, इसके थ्रू हम इसके अंदर जाएंगे। ये जो कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम है जिसका साइज 3 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 1 इंच है, 3 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि इसका विड्थ है, और लेंथ जो है वो 6 फीट 1 इंच है। दोस्तों अब जैसे आते हैं तो यहाँ से मैंने एक कॉर्नर पे एक शाफ्ट भी डिज़ाइन कर रखा है, शाफ्ट का जो साइज़ है 3 फीट 6 इंच बाई 2 फीट है, 3 फीट 6 इंच ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, और इसका जो लेंथ है छोटा सा यहाँ से 2 फीट का है, 2 फीट 6 इंच का, 3 फीट 6 इंच बाई 2 फीट का ये शाफ्ट है जो कि काफ़ी एक मीडियम साइज का शाफ्ट है, जिसके थ्रू यहाँ से हमारी वेंटिलेशन के लिए जो भी हमारी स्मेल है वो शाफ्ट के थ्रू बाहर जाएगी। आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम, तो यहाँ से हम आ जाते हैं डाइनिंग में, और डाइनिंग से आते हुए हम फिर पहुँच जाते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे जाने के लिए मैंने 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे डोर दे रखा है और 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक विंडो भी लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पे एक कबर्ड भी मैंने रखा हुआ है जिसका साइज 2 फीट बाई 4 फीट का है, तो यहाँ पे हम अपने क्लोथिंग आइटम रखेंगे, जो भी हम अपना स्टफ़ रखना चाहते हैं इसके अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं तो हमारा जो किचन का साइज़ है वो 9 फीट 3 इंच बाई 6 फीट 4 इंच है, जो कि काफ़ी बड़ा किचन है इस प्लॉट को देखते हुए। और क्या है कि इसमें एक मैंने यहाँ पे एक गैस स्टोव भी रखा हुआ है, और यहाँ पे हम पॉट के लिए हम यहाँ पे अपना पॉट जो है क्लीन करेंगे, उसके लिए मैंने सिंक लगा रखा है। इस कॉर्नर पे मैंने एक फ्रिज दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक विंडो भी है जो कोई जिसका विड्थ है 2 फीट बाई 4 फीट, और ये इस विंडो के थ्रू हमारे जो लाइट है जो भी सनलाइट है इस किचन के अंदर आएगी, और हमारा जो भी स्मोक है वो इसके थ्रू ही बाहर चला भी जाएगा। लाइट इधर से यहाँ से भी मैंने दे रखा है एक विंडो ताकि इस रूम से जो भी लाइट आएगी वो किचन के अंदर जाएगी। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं वॉल्स पे, तो जो कि वॉल्स जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने 5 इंच की वॉल इसमें डिज़ाइन कर रखा है। सारी जो हमारी वॉल्स हैं, आउटर की वॉल्स और इनर की वॉल, सारी मैंने इसमें 5 इंच की डिज़ाइन कर रखी हैं, ताकि जो बाहर से हमारा जो प्लॉट है, दूसरे जो हमारे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उस वॉल्स के थ्रू हमको यहाँ पे हमारे 5 इंच की वॉल को पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अभी दोस्तों आते हैं यहाँ पे, तो इसमें मैंने 2 टॉयलेट एंड बाथरूम इस प्लॉट में, दो एक इस रूम के लिए यहाँ पे कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम, और जो कि इस किचन से ये आसानी से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, और गेस्ट के लिए मैंने एक सेपरेट दिखा रखा है यहाँ पे, सेपरेट बना रखा है सॉरी। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे हम अपने फ्रंट व्यू की बात करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे स्टेयर के इसको भी अप करेंगे, और यहाँ पे विंडो कैसे आएगा उसको मैंने एक एलिवेशन के थ्रू यहाँ पे शो कर रखा है कि कैसे हम इसको इस आसानी से इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आते हैं हम अपने फ्रंट एलिवेशन पे, जो कि हमारा ये डोर और विंडो और स्टेयर के इसको शो करेगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये है हमारा फ्रंट व्यू ऑफ द डोर एंड स्टेयर केस, और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे 7 फीट का यहाँ पे डोर लगा रखा है, 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे डोर है, और 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे एक विंडो है जो कि 3 फीट 6 इंच के हाइट पे, जो हमारा जो फ्लोर का हाइट फ्लोर होगा उससे 3 फीट 6 इंच के हाइट पे जाके हमारा यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे विंडो आएगा, जो कि हमारा फ्रंट पे ये वाला विंडो है वो यहाँ पे हम मैंने एलिवेशन में दिखा रखा है। और जो स्टेयर केस की बात करें तो स्टेयर केस का जो है वो मैंने राइजर 7.5 इंच रखा हुआ है, और इसका जो ट्रेड है जिस पे हम अपना पैर रख के जाएंगे वो है हमारा 10 इंच का। और ये जो हमारी स्लैब्स जो है, हमारी स्टेयर केस के बीच जो स्लैब होंगी, और जो हमारा जो टॉप ऑफ द रूफ होगा, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है वो भी 5 इंच का है। तो 5 इंच का मैंने इसमें स्लैब डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। अभी बिल्डिंग का जो हाइट का बात करें तो वो
फ्लोर, ये फ्लोर लेवल से लेके ये टॉप ऑफ द रूफ जो लेवल है वो 11 फीट 3 इंच का है, जिसमें हमारा 5 इंच का स्लैब माइनस होगा। तो ये 10 फीट और 10 इंच का ये हमको यहाँ पे हाइट मिलेगा अंदर से अंदर। अब दोस्तों चलते हैं, फिर ये है हमारा आज का प्लान। और आपको अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट के थ्रू। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और बाय बाय।